हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रहा है और इसी जंग की वजह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है, जिसका नतीजा तीसरा विश्व युद्ध होगा। और अगर ऐसा होता है तो कभी भी कहीं भी परमाणु हमला हो सकता है, तो ऐसे में हमें खुद को कैसे बचाना है इस परमाणु हमले से, चलिए जानते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, परमाणु हमला कितना खतरनाक होता है और इसकी वजह से कितनी जाने जा सकती है और इसका असर कितनी पीढ़ियों को झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में हमें इस हमले से बचने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जैसा कि परमाणु हमले के 24 घंटे बाद तक हमें घर के अंदर ही रहना है, जिससे कि हम पर रेडिएशन का खतरा ना हो और हमारी जान की रक्षा हो सके। हमें हमले के कुछ घंटे बाद तक घर के अंदर मुंह के बल जमीन पर ही लेटे रहना है, चेहरे को फेस मास्क से ढक कर रखना है और जब तक कान आ जाए तब तक घर से नहीं निकलना। हमें खुद को घर के निचले हिस्से में बंद कर लेना है और साथ ही हमें घर के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेना है, ताकि हवा के जरिए रेडिएशन घर में ना आ सके। और इन सब से जरूरी है कि हमें घबराना नहीं है। तो ये थे कुछ ठोस कदम जिन्हें उठाकर हम खुद को परमाणु हमले के वक्त भी बचा सकते हैं। और अगर आपको ये फैक्ट पहले नहीं पता था तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।